क्लास सिक्स है, प्रश्न नंबर 29 है, 29 है। ए बी रेखा पर बिंदु ए पर प्रकार द्वारा 112 सही 1/2 अंश का कोण बनाओ। 112 सही 1/2 अंश का कोण बनाओ। तो आपने सबसे पहले एक ए बी लाइन लगानी है, और जब आपने ये ए बी लाइन लगानी है, ये हमने ए बी लाइन लगा दी इधर को, इस साइड को, तो साथ में ही आप डॉटेड लाइन भी लगा लें। डॉटेड लाइन लगाने, छोटे छोटे डॉट लगाने हैं, छठी वाले जो है। ये हमारा पॉइंट ए आ गया, अब ये बी आ गया। अब ए पॉइंट के ऊपर हम 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। तरीका का आपको पता ही है, ए पॉइंट के ऊपर प्रकार रखनी है और एक अर्धवृत्ति लगा लेना है, छोटे छोटे डॉट लगाने हैं। तो जितनी प्रकार खोली है आपने उतनी ही चाप लगानी है। पहली चाप 60 डिग्री की होती है, दूसरी चाप 120 की होती है, और तीसरी चाप लगाएं अगर तो 180 की हो जाती है। तो अभी आपने पहले 90 डिग्री का कोण बनाना है। 90 डिग्री का कोण बना लेंगे पहले। ये आपका पी पॉइंट आ गया, ये क्यू आ गया, ये आर आ गया, ये एस आ गया। अभी 90 डिग्री का कोण यहाँ बना दें डॉटेड। अब ये 90 डिग्री का कोण बन गया है। अब ये जो इधर वाला है, ये कोण यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम दे दिया हमने, इसका नाम दे दिया यहाँ एन। अब इस एम और एन का समद्विभाजन करना है। तो जब हम एम और एन का समद्विभाजन करेंगे, प्रकार नहीं चेंज करनी, जितनी आपने खोली रखी है उतनी खोली रखनी है। और ये एन के ऊपर रखा, ये एम के ऊपर रखेंगे ऐसे। और ये अब ये जो कोण हमारे पास बनेगा, ये 135 अंश का कोण बन जाएगा हमारे पास। देखिए कैसे, ये यहाँ से यहाँ तक 90 है, और यहाँ से यहाँ तक भी ये 90 है, यहाँ से यहाँ तक भी 90 है। अब इस 90 का हमने हाफ कर लिया है। तो हाफ करने का तरीका हमको बताया, ये चाप लगाई एन के ऊपर रखा। अब ये कोण जो है 90 में, ये 45 यहाँ से यहाँ तक 45 का है, और यहाँ से यहाँ भी 45 का है। तो ये यहाँ से यहाँ तक 135 का है। तो हमें चाहिए अभी कोण, हमने जो कोण बनाना है वो 112 से 1/2 अंश का कोण बनाना है। तो अब हमने ये जो 45 है इसका हाफ करेंगे, 45 का हाफ निकल जाएगा यहाँ पे हमारे पास 22.5। तो हम ये 22.5 कर लेते हैं इसका। ये 90 के ऊपर वैसे चाप लगानी है जो प्रकार खुली है। अब ये जो 45 ये रखें ध्यान, यहाँ पे ये हमारा पॉइंट आ गया, यहाँ पे एस ए टी, ये पॉइंट आ गया हमारा टी, ये पॉइंट, ये आर है और ये टी है। अब टी पॉइंट के ऊपर प्रकार रखनी, ध्यान रखें टी पॉइंट के ऊपर। और ये जो आपने चाप बढ़ाई इसको काटना है, ये काटना है ऐसे डॉटेड। अब ये जो कोण बन जाएगा हमारे पास, ये आपका कोण बन जाएगा 112 से ही 1/2 अंश का कोण। अब ये इस कोण का भी विभाजन हो गया, इसका नाम रख दिया हमने क्यू, क्यू इसका नाम रख दिया हमने सी, कोई भी अल्फाबेट नाम रख लो इनके। तो अब हमने देखिए 90 में अगर हम 22.5 डाल दें, जमा कर दें, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, ये 0 हो गया, 11